नमस्कार। आज हम फल और की प्याज बनाएंगे। ये देखो, पहले से काट के रख लिए हैं, गैस चालू कर दिया है, तेल गर्म हो गया है सरसों का। हींग, जीरा, अदरक डाल देंगे, राई भी डाल सकते हैं, मैंने राई भी डाली है, ठीक है, गर्म होते ही। और इसमें लहसुन भी डाल दिया है, पहले ही से तैयारी करके रखे। वो डालने के बाद फल और की प्याज है जो बारीक काट के वो डाल दें, और इसमें मिर्च मसाला डाल देंगे, ठीक है। मिर्च मसाला डाल के अच्छे से मिला के इसे हम ढक देंगे 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट तक ये क्या है, तेल के अंदर ही भूनेंगे ढककर, मध्यम आँच रखें जिससे कि अच्छे से भुन जाए, ये तेल के अंदर ही नरम हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह भुनने से ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखो बन गए हैं ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हम थोड़ा टमाटर डाल देंगे, ठीक है, देसी या ऐसे क्या देसी होते हैं, उनमें खटास होती है, खट्टे अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपको नहीं पसंद तो नॉर्मल आते हैं टमाटर बिना खट्टे, कोई भी हो टमाटर डाल के नहीं ढक देंगे हम इनको, थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे 2-3 मिनट, ठीक है। इनके नरम हो, ये नरम हो जाएंगे ना, फिर मिला के हम वापस चेक करके देखेंगे हुए कि नहीं नरम, फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। इसको वो भी पानी को खोला के नहीं 2-3 मिनट पका लेंगे, है ना। पकाने के बाद चेक कर लेंगे, और हाँ सब्जी अच्छे से पूरी बनी है कि नहीं, ठीक है। ये तैयार है सब्जी, इसमें धनिया डाल देंगे, है ना। अब इसमें आप नींबू चाहते हो तो नींबू, नहीं तो दही, बहुत ही टेस्टी लगता है, ताज़ा दही हो, ठीक है। अब इसमें 2 या 3 चम्मच ताज़ा दही हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा खट्टे नहीं हो, ताज़ा दही हो, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है सब्जी, ढाबे वाली जैसी। इस तरह हम इसमें 2-3 चम्मच दही डाल देंगे ताज़ा, इस तरह मिलाने से बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी, ढाबे वाली जैसी। एक बार बना के देखना, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनती है। देखो तैयार है, आपको दिखाते हैं निकाल के, ये है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी देख, ऐसे नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दही का टेस्ट अलग ही होता है ना। देखो गैस बंद करके ढक के रख दिया है हमने थोड़ी देर के लिए, ठीक है। गरम गरम नहीं खा सकते, अब ये इसे परोसने के लिए तैयार है ये सब्जी। ये देखिए, टेस्टी टेस्टी।